नमस्कार। दोपहर के 12 बजे जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 12 बजे वक्त होता है 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरू करते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक। जम्मू कश्मीर के पंपोर में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। ईडीआई इमारत में बीती रात हुए दो विस्फोट, रुक रुक कर गोलीबारी हो रही। पंपोर एनकाउंटर में सेना का एक जवान घायल। 8 महीने में दूसरी बार ईडीआई की इमारत पर आतंकी हमला। फरवरी में हमले के दौरान 2 सैनिक हुए थे शहीद, 3 आतंकी मारे गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। क्वेटा में छात्रों ने पाक सेना के खिलाफ रैली निकाली। बलोच नेता शब्बीर बलोच को अगवा करने को लेकर विरोध। कराची में बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगाए नारे, पोस्टर लगाकर जताया विरोध। कनाडा में बलोच नेता लतीफ जोहार का आरोप, पाकिस्तानी सेना उन्हें मारने की साजिश कर रही है। कश्मीर घाटी में 250 के करीब आतंकी मौजूद। लश्कर जैश और हिजबुल से संबंध, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हुए थे दाखिल, सूत्रों के हवाले से खबर। सेना ने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। एलओसी पर मीडिया की एक टीम साथ लेकर गई थी सेना। कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ पावर शेल को और असरदार बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए। सुरक्षा बलों ने की थी कि पावर शेल उतने असरदार नहीं है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी से भी रखी जा रही है नजर। रक्षा मामलों पर संसद के पैनल ने बदला मीटिंग का एजेंडा। सीमा पार छापेमारी से बदलकर सैन्य बलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी, अब नया एजेंडा होगा। 14 अक्टूबर को होने वाली है बैठक। संघ प्रमुख ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मौजूदा शासन काम करने वाला, उदासीन नहीं। विरोधियों को संदेश, दलीय स्वार्थ से ऊपर उठे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मुजफ्फराबाद, गिलगित, बलोचिस्तान समेत पूरा कश्मीर भारत का, बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ पर उठाए सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले भागवत, भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, दुनिया में भारतीय सेना की प्रतिष्ठा बढ़ी। संघ प्रमुख ने गोरक्षा कार्यक्रम को भी बताया अहम, लेकिन गोरक्षा के नाम पर उपद्रव करने वालों को नसीहत, संविधान की मर्यादा में रहकर करें गोरक्षा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 91 साल पूरे। संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। आज से बदल गई आरएसएस स्वयंसेवकों की पोशाक, पहली बार फुल पैंट में नजर आए मोहन भागवत और बाकी स्वयंसेवक। गडकरी और फडणवीस ने भी किया ध्वज प्रमाण। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल का शक्ति प्रदर्शन, पहले से की शस्त्र पूजा, उसके बाद हवाई फायरिंग। लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला में आज अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम के इस दौरे को माना जा रहा है बेहद ही अहम। शाम 5:25 पर लखनऊ पहुंचेंगे पीएम। 6 से 7 बजे तक ऐशबाग की रामलीला में रहेंगे मौजूद। पुतला दहन के बाद लोगों को कर सकते हैं संबोधन। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की लखनऊ यात्रा पर उठाए सवाल, कहा अगर बिहार में होते चुनाव तो वहां जलाते रावण। रामलीला पर राजनीति न करने की सलाह भी दी। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दशहरे की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा हमें बुराइयों पर विजय पाने की प्रेरणा दे विजयदशमी, ताकि संपन्न भारत का सपना हो साकार। खून की दलाली वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का पलटवार, कहा जो लोग रक्षा सौदे में दलाली करते थे उन्हें पता है इस शब्द का बेहतर मतलब। 74 साल के हो गए महानायक अमिताभ बच्चन, मुंबई में जलसा के बाहर फैंस को संबोधित किया, सभी ने दी ढेरों शुभकामनाएं। पाकिस्तानी कलाकारों के मुद्दे पर बोले अमिताभ, देश के लोग गुस्से में, एकता दिखाने का वक्त, भविष्य में और भी चैलेंजिंग रोल करने की चाहत। राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बनाए जाने की खबरों को अमिताभ ने नकारा, शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई थी संभावना, बोले बिग बी ऐसा कभी नहीं होगा। जेएनयू में योग कोर्स को खारिज होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने नाराजगी जताई। महेश शर्मा ने कहा जब बात प्राचीन भारतीय कला की हो तो राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जेएनयू की काउंसिल मीटिंग में मारपीट का मामला आया सामने। कुछ टीचर्स ने स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स पर मारपीट और इसके साथ ही धमकाने का आरोप भी लगाया। दशहरे और दुर्गा पूजा के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में बदलाव। मंदिर मार्ग, पचकुलिया रोड, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल, मिंटो रोड समेत कई मार्ग 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली। रैली का 50वां साल कई मायनों में खास। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने इसी मैदान में शिवसेना का गठन किया था। दशहरे के मौके पर मुंबई में आसमान
छू रहे हैं फूलों के दाम। दादर स्थित सबसे बड़ी फूल मार्केट में भारी डिमांड। अखिलेश यादव ने किया राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान का समर्थन, बोले राहुल ने कुछ सोचकर ही कहा होगा। छतरपुर में पांचवी के छात्र की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने संज्ञान लिया। पीएमओ ने प्राइमरी स्कूल की बदहाली दूर करने के निर्देश दिए। बिल्डिंग के लिए 4 लाख रुपए का फंड भी जारी किया। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में समर्थकों ने की विशेष प्रार्थना। छत्तीसगढ़ में अब नहीं जलेंगे चीन के बल्ब, सरकार ने पाबंदी लगाई है। सभी डीएम को दिशा निर्देश जारी। यूपी के बागपत में बदमाशों ने 5 लोगों की हत्या की। मारे गए लोगों में 2 पीएसी के जवान, 1 बुजुर्ग, 2 महिलाएं शामिल। परिवार की सुरक्षा में दोनों जवान लगाए गए थे। 3 साल पुरानी रंजिश थी। मेल स्कॉर्ट सर्विस के चक्कर में फंसा दिल्ली का एक लड़का। जॉब देने के बहाने हापुड़ बुलाकर किडनैप किया। 10 लाख की फिरौती मांगी, पुलिस ने जाल बिछाकर छुड़ाया। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर पपीते में छिपाकर सोने की तस्करी का खुलासा। करीब 77 लाख की गोल्ड के साथ 2 लोग गिरफ्तार। 9 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे आरोपी। यूपी के अमरोहा के हसनपुर से पार्षद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हुमायूं कादर पर 22 केस दर्ज। 30 साल पुराना है अपराध से रिश्ता। बदायूं में हॉरर किलिंग में एक प्रेमी की हत्या। लड़की के परिवार ने दिल्ली बुलाकर चाकू से गोदा। पुलिस ने लड़की के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ की सैनिक विहार कॉलोनी में महिला सिपाही ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति से विवाद बनी वजह। यूपी के बहराइच में पत्नी और 1 साल की बच्ची पर कुल्हाड़ी से हमले का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की मौके पर मौत, महिला की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक होटल में मिला रिटायर्ड फौजी का शव। नौकरी की तलाश में निकले थे घर से, हत्या का शव। मध्य प्रदेश के कवर्धा में नकली सीबीआई एजेंट गिरफ्तार। फर्जी आई कार्ड लेकर गरबे के पंडाल में पहुंचा, सिविल ड्रेस में घूम रहे पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। एमपी में जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में महिला मरीज से छेड़छाड़। अस्पताल प्रबंधन ने मामूली घटना बताकर दलील दी। छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को डांट कर भगा दिया। कानपुर में महिला जज की हत्या में पति अभिषेक राजन गिरफ्तार। दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जर्मनी में आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में सीरियाई युवक गिरफ्तार। 22 साल का जाबिर शरणार्थी बनकर आया था जर्मनी से। पुलिस ने बरामद किया 400 ग्राम विस्फोटक। सैमसंग ने बंद किया गैलेक्सी नोट 7 का प्रोडक्शन। रिप्लेसमेंट के बाद भी फोन में आग लगने की शिकायतें। फोन की बिक्री पहले ही बंद कर चुकी है कंपनी। दक्षिण अफ्रीका में कॉलेजेस की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का विरोध। प्रदर्शन के बाद 1 हफ्ते के लिए बंद था विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी। दोबारा से खुलते ही छात्र फिर से हुए उग्र। चीन के जेजियांग प्रोविंस के वेंजाओ शहर में 4 इमारतों में एक साथ गिरने से 17 लोगों की मौत, कई घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। टर्की धमाकों की बरसी पर रैली में उग्र हुए लोग। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और रबर बैलेट का इस्तेमाल। पिछले साल धमाकों में 107 लोगों की जान गई थी।